सेवा का जन्म गुजरात में सन 1972 में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद जिले में कपड़े की काफी मिलें थी, जिसमें मिल मालिक व मजदूरों में वेतन को लेकर आपस में टकराव हुआ। समस्या का हल निकालने के लिए मजदूर महासंघ का गठन हुआ, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी और इस संघ से महिलाओं को कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। इस दौरान श्रीमती ईलाबेन भट्ट मजदूर महासंघ से जुड़ी और उन्होंने पाया कि महिलाएं असंगठित होने के कारण ज्यादा शोषण झेलने को मजबूर थीं। इस शोषण से बहनों को आजादी दिलाने के लिए संगठन की जरूरत थी। असंगठित महिलाओं की इन्हीं मुद्दों से आजादी दिलाने के लिए सेवा की नींव पड़ी स्वश्रयी महिला सेवा संघ के रूप में। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली गरीब श्रमिक महिलाओं का संगठन है सेवा, जो महिला श्रमिक कामगारों के आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करती है। सन 1972 से शुरू हुई सेवा आज देश के 9 राज्यों में असंगठित क्षेत्र की 12 लाख से ज्यादा महिला श्रमिकों को अपने साथ जोड़ चुकी है और उनके विकास की दिशा में कार्यरत है। आज सेवा गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में स्थापित हो चुकी है। गरीब कामगार महिलाएं सेवा के संघर्ष का केंद्र हैं। सेवा द्वारा उनकी समाज व परिवार में भागीदारी को बढ़ाकर उनके नेतृत्व का विकास किया जाता है। सेवा गांधी विचारधारा से प्रेरित हो अपना काम करती है। सेवा का मूलभूत तो विचार गांधी विचार है। तो जब मेरे से शुरू हुआ तो हो सकता है कि उसमें गांधी विचार की ये काफ़ी असर और फैशन उसमें रही होगी कि कई प्रकार के कौम है, फिर कई प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं, कई प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारा कल्चर है कि वी आर ऑल वर्कर्स, हम सब कामदार हैं, हम सब महिला श्रमिक कामदार हैं। जो काम की दुनिया है, जो रोजगार का विश्व है, उससे पहचान होती है। कपड़े पहनने में भी सादाई का आग्रह खास है, गहने नहीं पहना है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत जो अपने रिवाज से है वो पहनना चाहिए, क्योंकि तभी हम तो गरीबों के जीवन के साथ आत्मसात तो हमें होना ही पड़ेगा, तो तब हम इनके पास काम करने को जा सकते हैं। सन 1999 में दिल्ली में भी सेवा संगठन की शुरुआत हुई जहांगीरपुरी इलाके से। आज दिल्ली के रघुवीर नगर, सुंदर नगरी, नंद नगरी, गोकुलपुरी, राजीव नगर, सीमापुरी, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, मुल्ला कॉलोनी, गीता कॉलोनी एवं अलीगांव क्षेत्र में विस्तार हुआ। छोटे से एक संगठन से शुरू हुई सेवा दिल्ली आज अपने साथ लगभग 30,000 मजदूर बहनों को अपने से जोड़ चुकी है। हमेशा से ही महिलाओं का परिवार और समाज के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। पहला काम होता है घर को साफ सुथरा कर, साफ सुथरा करने के बाद मार्केट में कपड़े बेच के आके फिर बच्चों को संभालना, बच्चों को निराना झुलाना, साफ सुथरा करना, उनको स्कूल भेजना, तो ऐसे सारा कुछ घर का जो होता है काम वो तो हर औरत को करना ही पड़ता है। लेकिन श्रमिक महिलाएं घर और बाहर के काम के महत्व का सही मूल्यांकन नहीं कर पाती। एक काम के लिए अगर किसी को हम 300 रुपया भी देते तो घर में 6-7 प्रकार के काम होते तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपया तो एक महिला बचाती है हर महीने।
सेवा दिल्ली अपने विभिन्न कार्यक्रम जैसे रोजगार लघु वित्त, बीमा, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जोड़ना, बच्चों का शिक्षण, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण एवं पढ़ाई कार्यक्रम, वेंडर कार्यक्रम, निर्माण मजदूर एवं घरेलू सहयोग के लिए अभियान के माध्यम से पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन को छूती है। सेवा का मानना है कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिला कामगारों के काम को सुचारू एवं सुरक्षित करने के लिए उन्हें संगठित करने की आवश्यकता है, तभी उन्हें अपने अधिकार और रोजगार को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकेगी। औरत के ऊपर ये सेवा है और औरत को सबसे बड़ी पहचान मिली अपनी कि खुद बाहर जाके भी औरत अपनी मजबूती से अपना पैर गड़ा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती, प्रॉब्लम का हल करने के लिए बाहर किसी के साथ बोल सकती, हिम्मत करके वो सेवा की तरफ से मिला। आज के टाइम पे हमें किसी से डर नहीं लगता, इस तरह से हम सेवा के जुड़ने के बाद मजबूत हो गए। सेवा के साथ जब जुड़े ने तो इसी वजह से ये पावर हाउस की बाजार लगी, हमारे को कोई परेशानी नहीं। इनके साथ जब से हम जुड़ गए ना तो हमको फायदा है। इनके साथ जुड़ने से हमको क्या होता है कि हमको अभी तो जगह भी मिल रही है, बैठने का भी मिल रहा है, जहाँ जाते होता है हमारे फायदे हो रहे हैं इनके साथ से। पहले ये नहीं थे तो हमारा कुछ भी काम धंधा नहीं था। जगह हमारी नहीं थी तो जगह भी हमें और संगठन मिली है। पहले हमें भाग दौड़ में बेचना पड़ता था, आराम से हम अब हम बेच सकते हैं माल वगैरह, इसलिए हमें संगठन तो बहुत फायदा ही हुआ है, घाटा नहीं हुआ। सेवा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है। आने वाले 4-5 सालों में सेवा दिल्ली 1,00,000 महिलाओं को सेवा से जोड़ने तथा 5,00,000 लोगों के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का प्रयास कर रही है। साल 2005 में सुंदर नगरी में घर से काम करने वाली कढ़ाई कामगार बहनों के साथ कढ़ाई अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य ठेकेदारों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को रोकना एवं बहनों के काम को नई पहचान दिलाना। ठेकेदार कहें या बिचौलिया, वे हमेशा ही इन घरखाता कामगार बहनों की मेहनत की कमाई का अधिकांश लाभ अपने हिस्से करते रहे हैं। नूरजहां बतौर ठेकेदार बहनों के साथ काम करती है और उनके काम करवाने के अपने वादे भी हैं। कंपनी से लाते हैं काम, और यहाँ पे जैसे 10 लेबर है हमारी तो उनको 10 को हम देते हैं काम। नहीं ऐसा जैसे भाव वहाँ पीछे वहीं कंपनी से मिलने में देर हो जाती है तो यहाँ पे भी थोड़े लेट हो जाते हैं, नहीं तो लेट तो खैर होते नहीं है। जब काम हम काम करवाना है तो पैसे भी टाइम पे देंगे। नूरजहां जैसे और ठेकेदारों की बातों से घर खाता कामगार बहने इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी सच्चाई कुछ और ही है। पहले ठेकेदार का काम करते थे तो उसमें पैसे सही नहीं देते थे, उनने हमारे 500-600 रुपए काट भी लिए, टाइम पे भी नहीं देता था और सही भी नहीं देता था। 40 रुपए का पीस था तो वो 30 रुपए में करवाता था और हमें जरूरत पे करना पड़ता था। कभी 30 का करवाता था तो कभी 25 का, 35 का, जैसे ज्यादा काम होता था वैसे उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते थे। भारी पीस होता था वो 100 का होना चाहिए तो वो 50 का देते थे, और जो 30 का होना चाहिए तो वो 15 के, ऐसे घटा के देते थे पैसे। बहुत दिक्कतें आती थी, पैसे नहीं देते तो परेशानी होती थी घर में, किसी टाइम जैसे कुछ चीज लेने के लिए पैसे के वजह से चुप बैठ जाते थे। ठेकेदार से बोलते थे तो कहता था आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों, जब मिल जाएंगे तभी दे देंगे, ऐसे वादा करते थे। 1,000 रुपए का काम हुआ तो 200 रुपए दे दिए और बचे 800 रुपए, तो फिर वो ऐसे 100-100, 200-200 करके धीरे धीरे देते थे, पूरे पैसे ही नहीं देते इकट्ठे। ऐसी घटनाएं भी कम नहीं जहां इन कढ़ाई कामगार बहनों का पैसा कम दिया जाता रहा या फिर ठेकेदार पैसा लेकर भाग गए। रुबीना बेन की दास्तान कुछ ऐसी ही है। ठेकेदार जो है ना माल बनवाते थे, घर पे लेकर जाते थे, लेके भी जाते थे, अच्छा दे रहे थे पैसे भी, जब मांगते थे तभी दे देते थे। उसके बाद उन्होंने जब हमारा पैसा ज्यादा हो गया तो वो लेकर भाग गए। फिर हमारा दिल नहीं करा किसी से भी बनाने के लिए। फिर सेवा के बारे में पता चला तो वहाँ से बना रहे हैं, वहाँ से हमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं और फीस भी अच्छे मिलते हैं, रेट भी अच्छे मिलते हैं। 2 साल मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, जब उसने पैसे लेके भाग गया उसके बाद नहीं करा, फिर ये महिला सेवा संघ वहीं से किया। रेट भी अच्छा मिलता है, 15 दिन में पेमेंट भी हो जाती है तो अच्छा लगता है। बहनों के बुरे अनुभव से उन्होंने ठेकेदार का काम बंद कर सेवा से जुड़कर काम किया, जिसका फायदा हुआ और उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ी। जो सेवा का काम करे उसमें थोड़ा देखभाल का काम करना पड़े ध्यान से, ऐसा यूं के वहाँ के रेट सही होते और सफाई का मांगते हैं। सेवा से 6 साल से जुड़े हुए हैं और जब से सेवा से हमने काम करा तब से हमें बहुत फायदा हुआ। वहाँ से 100 रुपए का हम आराम से कर लेते हैं, महीने में 2 बार पेमेंट होती है और कभी जरूरत पड़ती है तो हम ले सकते हैं, ले लेते हैं और वो हमें दे देते हैं, तो परेशानी नहीं होती है। सेवा का काम में 100 रुपए भी कर लें, 150 भी कर लें,
जैसा काम होता है उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। वहाँ ठेकेदार से अच्छे दाम मिलते हैं। सेवा का काम करने से हमारे पास पैसा रहता है, टाइम हम किसी से उधार नहीं लेते हैं। और जब ठेकेदार का करते थे तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हमें परेशानी होती थी, तो हम दूसरे से किसी कभी बहन से अपनी ले लेते थे, कभी किसी से। और जब से सेवा का करा तब से हमें परेशानी नहीं। बहनों का मानना है कि अपनी कंपनी होने से हमेशा काम मिलेगा और आमदनी में वे किसी से कम नहीं होंगी। सुंदर नगरी से शुरू हुए कढ़ाई कार्यक्रम आज दिल्ली के कई क्षेत्रों जैसे सुंदर नगरी, नंद नगरी, राजीव नगर, सोनिया विहार, सीमापुरी, न्यू अशोक नगर, अलीगांव, मुल्ला कॉलोनी एवं आसपास के इलाकों में चल रहा है, जिसमें लगभग 1000 बहनें काम कर रही हैं। सेवा की पहल से बहनों के काम को पहचान मिल रही है, साथ ही उनकी कमाई भी दोगुनी हो गई है। सेवा दिल्ली कढ़ाई कामगार बहनों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाने की दिशा में प्रयासरत है। कढ़ाई कामगारों का बाजार से सीधा जुड़ाव हो, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और काम के सभी लाभ महिला कामगारों को ही मिले। कढ़ाई कामगारों की अपनी कंपनी हो जिसका बाजार से प्रत्यक्ष जुड़ाव हो। कढ़ाई कामगारों को आय के नए आयाम देने के लिए सेवा दिल्ली ने बहनों के लिए एक ऐसी कंपनी बना रही है जिसमें बहनें स्वयं अपनी कंपनी की मालिक होंगी। इससे बहनों को ज्यादा और हर प्रकार का काम मिल सकेगा। इसके अंतर्गत बहनें अपने बनाए नियमों के साथ काम करेंगी, उन पर किसी की पाबंदी नहीं होगी। अपने बनाए नियमानुसार काम करने से वे कंपनी चलाएंगी। नियम ऐसे होंगे जिससे कंपनी लाभ कमा सके एवं कंपनी और बहनों का विकास हो। इस कारोबार में जो भी लाभ होगा उसकी सभी बहनों में समान रूप से भागीदारी होगी। कंपनी के अंतर्गत काम करने से महिला कामगार बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस से जुड़ेंगी। इन सभी के लिए बहनों को कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे स्वयं को महिला कढ़ाई कामगारों को कंपनी के तौर पर काम करने के लिए तैयार करें। समय पर उत्पादन करना होगा, हमेशा उत्तम क्वालिटी का उत्पाद तैयार करना होगा, अधिक से अधिक निर्माताओं को अपने से जोड़ना होगा, ज्यादा उत्पादन करने की तकनीक सीखनी होगी, अपने अकाउंट को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी होगी। इस कंपनी के बाद महिला कामगारों में नए विचारों के उदय के साथ ही उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने में कारगर सिद्ध होगा।